हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर एम के गुप्तू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। वेक्टर कैलकुलस में हम ऑपरेटर्स एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे। ऑपरेटर्स और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स पे अपन ने 3-4 थ्योरम्स भी की हैं और उन थ्योरम्स के आधार पर हमने ग्रेडियंट एफ के डायरेक्शन की बात की और मैक्सिमम डायरेक्शन किधर होगा उसकी भी हमने बात की थी। मेरे ख्याल से हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ों को समझना चाहिए तो हमारा जो नॉलेज है वो थोड़ा सा एनहेंस होगा, हम चीज़ों को राइट डायरेक्शन में राइट चीज़ों को समझ पाएंगे। किस तरह से, देखिए मैं 3-4 एग्जांपल आज करूंगा, उन एग्जांपल्स के थ्रू हम चीज़ों का समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल 1 to 0 पर फाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का आई प्लस टू जे प्लस 2k की दिशा में स्टिक आउटलेट डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस दिशा में सरफेस के इस बिंदु 1 to 0 पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे तो नॉर्मल ग्रेड एफ क्या होगा इस डायरेक्शन में, ये ग्रेड एफ होगा, एनटी की डायरेक्शन है, ग्रेड एफ इधर ही होता है तो ग्रेड एफ क्या होता है, डेल फाई। डेल फाई क्या होगा, आई डेल ओवर डेल एक्स वाई फाई प्लस जे डेल डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल के होगा। अब फाई इसको क्या होगा, फाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा भाई, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने पर ये क्या आएगा, वाई आ जाएगा, यहां से विद रेस्पेक्ट टू इसका जीरो हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने पर ये जेड आ जाएगा। सो यहां क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड प्लस जे विद रेस्पेक्ट टू वाई करने पर देखिए इन दोनों का वाई इसका तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों का तो एक्स प्लस जेड आ जाएगा प्लस के फाई विद रेस्पेक्ट टू जेड इन दोनों का वाई प्लस एक्स हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा यानी एक्स प्लस वाई इंटू ये तो हो गया टेल फाई, यानी इस डायरेक्शन में टेल फाई हमेशा सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में होता। अब इस पॉइंट पर 1 to 0 पॉइंट पर डेल फाई की वैल्यू, डेल फाई एट 1 to 0 इस बिंदु पर 1 to 0 पर डेल फाई की वैल्यू क्या होगी, मैं यहां से देखूं तो ये आएगा आई वाई की जगह क्या है 2 + 0 प्लस जे एक्स 1 प्लस जेड 0 प्लस के एक्स प्लस वाई यानी 1 + 2 So this is equal to 2i plus j plus 3k. तो डेल फाई की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या हुई, 2i plus j plus 3k। हमारे टास्क क्या है, इस दिशा में इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल, ये कोई और डायरेक्शन है i plus 2j plus 2k सपोज करिए ये डायरेक्शन है, सपोज करिए ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इसको मैं a कह देता हूं, a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k ये तो वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें 1 + 4 + 4 का डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया 9
रूट नाइन कॉमन मीन्स हो गया 1/3 आई प्लस 2j प्लस 2k। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये आ गया 1/3 आई प्लस 2j प्लस 2j प्लस 2k। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस दिशा में, तो इसका कंपोनेंट यानी डेल फाई डॉट ए के यही था, दिस इज इक्वल टू डेल फाई क्या है इस पॉइंट पर 2i प्लस j प्लस 3k और यूनिट वेक्टर क्या है 1/3 i प्लस 2j प्लस 2k। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 आई डॉट आई यानी 2 i डॉट i 1 होगा, j डॉट j 1 होगा, तो यहां प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 6, दिस इज इक्वल टू 10/3 या क्या 10/3। दिस इज द आंसर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एट दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का तरीका। तो ये मेरे ख्याल से एग्जांपल से आपको ज्यादा ठीक तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह का सरफेस है, चलिए मैं और अन्य एग्जांपल करता हूं। सतह, यहां दो सरफेस दे रखी है, सतहों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तथा जेड इज इक्वल टू दूसरा है जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 के बीच का कोण। इन दोनों सरफेसेस, ये एक सरफेस सपोज करिए ये है, एक सरफेस ये है, ये जो सरफेस आपस में कट रही है कई सारे पॉइंट पर कट सकती है, तो इस बिंदु पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये पॉइंट है 2-1 and 2। इस पॉइंट पर ये सरफेस हो सकता है अधिक, और ये पूरा पूरा एरिया कॉमन हो सरफेसेस का, और भी एरिया कॉमन हो सकता है, पर इस कॉमन एरिया में भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सतहों पर के बीच का कोण बिंदु पर याद कीजिए, इस इन दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल याद करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे नॉर्मल निकाल लेंगे, इस पॉइंट पर नॉर्मल निकाल लेंगे, इन दोनों नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होगा वही दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल हो जाएगा। तो ये दोनों नॉर्मल क्या होगा, ग्रेट एक सरफेस को F मान लें और एक को फाई मान लें, F और फाई ये दो सरफेसेस हो गए, तो ग्रेट F और ग्रेट फाई निकाल लें इस पॉइंट पर, तो ग्रेट F, F इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। एफ फर्स्ट सरफेस को क्या है और सेकंड सरफेस को मैं फाई कह देता हूं, एफ एक्स वाई जेड कह दें, एफ एक्स क्योंकि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और दूसरे सरफेस को फाई एक्स वाई जेड कह दूं, तो फाई एक्स वाई जेड क्या होगा, जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3, ये दोनों सरफेसेस होंगे। तो ग्रेट फाई ग्रेट एफ डेल एफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल एफ एंड डेल फाई दोनों क्या होंगे, डेल एफ आई डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो क्या आएगा ट्वाइस एक्स आई, दिस इज ट्वाइस एक्स आई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ट्वाइस एक्स वाई वाई जे प्लस ट्वाइस जेड के एंड डेल फाइव ट्वाइस एक्स आई, इसका माइनस और प्लस हम चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस जेड माइनस 3 ले लेंगे,
चलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस जेड माइनस थ्री, ये था ना, इस जेड को कर लीजिए, एक्स और वाई पॉजिटिव रखें, ठीक है। तो इस लीजिएगा ऐसा कर सकते, तो ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स आई वाइस एक्स आई प्लस टू वाई जे माइनस के, ये डेल एफ हो गया, ये डेल फाइव हो गया, दोनों के नॉर्मल डेल एफ और डेल फाइव। अब ना डेल एफ एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर टू माइनस वन एंड टू, इस पॉइंट पर डेल एफ की वैल्यू क्या होगी, टू रखेंगे तो फोर आई माइनस टू जे प्लस फोर के, एंड डेल फाइव एट दिस पॉइंट टू माइनस वन एंड टू इज इक्वल टू, इस बिंदु पर इस पॉइंट पर ग्रेड फाइव की वैल्यू होगी टू फोर आई माइनस टू जे माइनस कॉफिशियंट है ए, फोर आई ये आ गया फोर आई माइनस टू जे माइनस के। अब इन दोनों के बीच का एंगल माना, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos cos थीटा इज इक्वल टू ग्रेड, दोनों वेक्टर्स हो गए, दोनों वेक्टर्स आ गए, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ग्रेड f प्लस एट दिस पॉइंट टू माइनस वन एंड टू प्लस ग्रेड इनटू सॉरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ग्रेड फाइव, ग्रेड फाइव एट दिस पॉइंट टू माइनस वन एंड टू अपॉन, दोनों के बीच एंगल बिटवीन टू इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेड एफ एंड ग्रेड फाइव, वही इसी बिंदु पर ये इस पॉइंट पर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या तो यूनिट वेक्टर निकाल के पहले मैग्नीट्यूड निकाल के कर लें और चाहे ऐसा कर लें, तो ये आएगा इसको मैं रख के करता हूँ, चलिए सॉल्यूशन ही कर देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ग्रेड एफ, दिस इज 4i माइनस 2j प्लस 4k डॉट 4i माइनस 2j माइनस k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 16 प्लस 4 प्लस 16 एंड इसका मैग्नीट्यूड 4 16 प्लस 4 प्लस 1, so this is equal to 4 I dot I is equal to 1, 4 into 4 16, 2 into 4 plus 4 minus 4 upon 16 plus 4 minus 4 upon 32 4 36 ये 6 हो गया, 20 और 21 और root 21 root 21, so 16 this is equal to 16 upon 6 means 8 by 3 root 21, 8 by 3 root 21, चाहे तो और इसको जो भी इसको कैंसिल करना काटना है, तो एंगल पूछा है इसलिए मैं थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूं, cos इनवर्स 8 by 3 root 21, 3 root 21, 8 root 21 और 63, नीचे इसको 21 root 21 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये 63 हो जाएगा, या ये आंसर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, नीचे अंडर रूट नहीं रखना हो तो root 21 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, root 21 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 63 हो जाएगा एक ही, तो ये इस तरह से एंगल निकाले जा सकते हैं।
फिर एक एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, टेंजेंट सरफेस और नॉर्मल का इक्वेशन। एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4। सरफेस का इक्वेशन ये है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4। इसके ऊपर इक्वेशन एट द पॉइंट 1 2 2 1 2 2, यानी ये सरफेस है, इस सरफेस के इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है 1 2 एंड 2, इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन भी निकालना है और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन भी निकालना है। टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन के लिए हमने बताया था कि जिस यहाँ जिस जगह ये निकालना है वहां एक एक इस पे एक लाइन बनाएंगे, इस टेंजेंट लाइन बनाएंगे और उस टेंजेंट लाइन को डी आर कह देंगे तो, और डेल एफ के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा टेंजेंट प्लेन का, और क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ये हमने बताया। तो उसी के आधार पर मान लिया ये सरफेस एफ एक्स वाई जेड ले लूं, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस 4, ये सरफेस का इक्वेशन है और इस सरफेस के इक्वेशन पे पॉइंट 1 2 2 पर मुझे टेंजेंट लाइन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो ये 1 2 2 पर टेंजेंट आर माइनस आर जीरो, यानी इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु एक्स वाई जेड है उसका पोजीशन वेक्टर, ये तो पॉइंट आर जीरो हो गया और एक्स वाई जेड इस पॉइंट पर एक्स वाई जेड लेंगे ना, तो आर माइनस आर जीरो क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये तो हो गया आर। एक्स वाई जेड कौन लिया, करंट पॉइंट लेंगे कोई भी जिसका पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड है, तो एक्स आई प्लस वाई जेड और आर जीरो क्या हो गया 1 2 2 के आधार पर आई प्लस 2j प्लस 2k, ये हो गया आर माइनस आर जीरो वेक्टर, आर माइनस आर जीरो वेक्टर हो गया एक्स माइनस वन आई प्लस वाई माइनस टू जे प्लस जेड माइनस टू ये की, तो ये तो हो गया आर माइनस आर जीरो। और ग्रेड एफ की वैल्यू निकाल ली, डेल एफ एट 1 2 2 ये निकालनी है, तो डेल एफ क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल एफ इज इक्वल टू वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के, ये और इस पे इस पॉइंट पर 1 2 2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई जेड यानी 2 2 4 आई प्लस जेड एक्स यानी 2j प्लस एक्स वाई 2k, यस ये हो गया टेल एफ की वैल्यू इस पॉइंट पर। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, हम जानते हैं आर माइनस आर जीरो डॉट ग्रेड एफ इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, और जब ये टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे तो ये आएगा 2x, चलिए मैं लिख ही देता हूं आर माइनस आर जीरो, दिस इज एक्स माइनस वन आई प्लस वाई माइनस टू जे प्लस जेड माइनस टू के डॉट ग्रेड एफ 4i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 0, दिस इज एंड दिस गिव्स अस i डॉट i इज इक्वल टू 1, सो 4x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 2 प्लस
into z minus 2 is equal to 0. This is equal to, बाकी सब मैं मिटा देता हूं, this is equal to 4x plus 2y plus 2z and minus 4, minus 4, 8 and minus 4, yani 12 is equal to 0 is the equation of, this is the equation of tangent plane to throughout form बना जाए, tangent plane का equation 2 throughout कट जाएगा, तो ये 2x plus y plus z equal to 6 हो जाएगा, तो आगे चले जाएंगे तो, ये तो हो गया, अब normal line का equation, normal line का equation क्या होता है, into grid f कर देंगे, into करने का मतलब हमें cross product करना पड़ेगा, cross product करने का अर्थ ये हुआ, कि चलिए मैं इस line को तो नहीं हटा रहा, बाकी सब हटा दी है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का अर्थ ये हुआ आई जे के ये हो गया x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 2 एंड 4 2 2 इज इक्वल टू 0, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज x plus t upon 2 is equal to y is equal to z. This is the equation of normal. इस तरह से हम प्रैक्टिकल वे में इन चीजों को समझेंगे तो हमारे लिए थोड़ा लाभकारी होगा. नेक्स्ट टाइम पर डाइवर्जेंस की बात करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन.